Grid layout class, what is grid layout class and how to use the grid layout class in Java program, ये आज हम देखेंगे. Okay, the Java grid layout class is used to arrange the GUI components in rectangular grid. तो Java grid layout class किस तरह से use होता है? To arrange the components in rectangular grid. Okay, one component is displayed in each rectangle. Each rectangle के अंदर क्या single GUI component क्या होता है? Display होता है. यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रिड का मतलब क्या होता है ये देखिए, मैं आपको डायग्राम के लिए शो करता हूँ. ठीक है, तो ये हमारा फ्रेम हो गया. ओके, और यहाँ पे नहीं क्या, ये जो रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल में एक ही कंपोनेंट क्या होता है, डिस्प्ले होता है. यहाँ पे रेक्टेंगल मतलब ग्रिड के टाइप हो गया ना, इसीलिए इस लेआउट को क्या बोलते हैं, ग्रिड लेआउट बोलते हैं. ठीक है, ग्रिड लेआउट क्लास इज प्रेजेंट इन जार डॉट एडब्ल्यूटी पैकेज. तो क्या ग्रिड लेआउट क्लास कैसा है, इट इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, और यहाँ पे कौन से पैकेज में प्रेजेंट है, जार डॉट एडब्ल्यूटी पैकेज में. क्लास डिक्लेरेशन, पब्लिक क्लास ग्रिड लेआउट एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट्स लेआउट मैनेजर एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस. तो ग्रिड लेआउट क्लास क्या, इज द चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास एंड इट इंप्लीमेंट्स द लेआउट मैनेजर एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस. ओके, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास, देर आर थ्री कंस्ट्रक्टर्स प्रेजेंट इन अ ग्रिड लेआउट क्लास. तो देखिए कौन से, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है पब्लिक ग्रिड लेआउट, मतलब पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर है. क्रिएट्स अ ग्रिड लेआउट विद अ डिफॉल्ट ऑफ वन कॉलम पर कंपोनेंट इन सिंगल रो. ठीक है, जब हमने क्या पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो क्या ग्रिड लेआउट ने क्या क्रिएट होता है, बट क्या सिंगल वन कॉलम डिफॉल्ट वन कॉलम पर कंपोनेंट, मतलब ईच जीयूआई कंपोनेंट के लिए क्या होगा, कॉलम क्रिएट होगा बट इन अ सिंगल रो. ओके, देखिए यहाँ पे ने क्या हमारा फ्रेम है, ये ने क्या सिंगल रो है, बट ने ईच क्या जीयूआई कंपोनेंट के लिए एक क्या हुआ, कॉलम हुआ. देखिए एक वन के लिए कॉलम क्रिएट हुआ, टू बटन के लिए भी, ठीक है, थ्री के लिए, सभी जीयूआई कंपोनेंट के लिए सेपरेट ईच कॉलम क्रिएट हुए बट नहीं सिंगल रो है. ओके, अगर हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट है देन वी हैव टू यूज द पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर. ओके, एग्जांपल देखिए ग्रिड लेआउट जीएल न्यू ग्रिड लेआउट. ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर पब्लिक ग्रिड लेआउट, और यहाँ पे पैरामीटर है इंट रोज एंड इंट कॉलम. तो इस कंस्ट्रक्टर में हम लेके क्या रोज एंड कॉलम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई करते हैं. तो क्या क्रिएट्स अ ग्रिड लेआउट विद द गिवन रोज एंड कॉलम बट नो गैप बिटवीन द कंपोनेंट. तो जब ने क्या हम एक कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो क्या ग्रिड लेआउट तो क्रिएट होता है बट ने क्या गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम के साथ, बट ने क्या जो हमारे जीयूआई कंपोनेंट है उनमें क्या कोई गैप नहीं रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल ग्रिड लेआउट जीएल न्यू ग्रिड लेआउट, और यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया पैरामीटर, रोज प्रोवाइड किया थ्री एंड ने क्या कॉलम प्रोवाइड किया थ्री. ओके, डायग्रामेटिकली शो कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थ्री रोज, ठीक है, वन टू थ्री, ठीक है, और क्या हो गया थ्री कॉलम. ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर रिक्वायरमेंट है देन वी हैव टू यूज द सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, जहाँ पे हमने क्या रोज एंड कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने क्या नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम प्रोवाइड करते हैं बट नहीं क्या जीयूआई कंपोनेंट के बिटवीन क्या कोई गैप रहेगा क्या, नहीं. ठीक है, तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर देखिए पब्लिक ग्रिड लेआउट, यहाँ पे क्या हमने क्या फोर पैरामीटर प्रोवाइड करना है, कौन से रोज कॉलम हॉरिजॉन्टल गैप एंड वर्टिकल गैप. ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, क्रिएट्स अ ग्रिड लेआउट विद द गिवन रोज एंड कॉलम अलॉन्ग विद द गिवन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप. तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमने ने क्या लेआउट तो क्रिएट करता है कैसे, जो हमने ने क्या स्पेसिफाइड रोज एंड कॉलम प्रोवाइड किया है उसके साथ, और ने क्या हमारा जो जीयूआई कंपोनेंट है उनमें क्या गैप भी प्रोवाइड करता है, कैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप. यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया एग्जांपल ये ग्रिड लेआउट जीएल न्यू ग्रिड लेआउट, और यहाँ पे रोज एंड कॉलम क्या प्रोवाइड किया है थ्री. ओके, थ्री, और ने क्या हॉरिजॉन्टल गैप प्रोवाइड किया 20 पिक्सल एंड वर्टिकल गैप प्रोवाइड किया 15 पिक्सल. तो देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू शो कर देता हूँ कि किस तरह से होगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा थ्री रोज है, वन टू थ्री, ठीक है, और कॉलम भी क्या है वन टू थ्री, और सभी जीयूआई कंपोनेंट के बीच में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल गैप भी है. देखिए यहाँ फोर और फिफ्थ के जीयूआई कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल गैप है, और यहाँ टू और फिफ्थ में भी क्या वर्टिकल गैप है. अगर हम इस तरह से रिक्वायरमेंट है देन वी शुड गो विद द थर्ड टाइप ऑफ अ कंस्ट्रक्टर. ओके, मेथड्स ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास. ठीक है, तो कौन से मेथड प्रेजेंट है देखिए ग्रिड लेआउट क्लास में. फर्स्ट मेथड देखिए पब्लिक इंट, ओके, गेट कॉलम. ठीक है, गेट कॉलम, ये क्या मेथड करेंगे, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या इंट, तो गेट द नंबर ऑफ कॉलम इन दिस लेआउट. हाँ, जो हमारा ने क्या लेआउट है फ्रेम में, हाँ, उसमें ने क्या नंबर ऑफ कॉलम कितने हमने सेट किया है वो हमें रिटर्न होगा. ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखिए पब्लिक इंट गेट हॉरिजॉन्टल गैप. ठीक है, तो ये मेथड क्या करेंगे, गेट द हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन द कंपोनेंट. हमने जो स्टार्टिंग में सेट किया होगा प्रोग्राम में कितने हॉरिजॉन्टल गैप, तो नहीं क्या ये मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा कितने पिक्सल हमने सेट किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट मेथड इज द पब्लिक इंट गेट रोज.
ठीक है, तो आपको नेम से ही पता चल गया होगा कि मेथड क्या करेगा, गेट द नंबर ऑफ रोज इन दिस लेआउट। जो हमने निकाल रोज सेट किया हुआ है वो क्या होगा, रिटर्न होगा। ठीक है, देन पब्लिक इंट गेट वर्टिकल गैप, गेट द वर्टिकल गैप बिटवीन द कंपोनेंट। जो भी हमने किया लेआउट में अब वर्टिकल गैप सेट क्या होगा इन जीयूआई कंपोनेंट, वो क्या होगा, रिटर्न होगा। इस मेथड का रिटर्न है क्या, इंट। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज द पब्लिक वाइड सेट कॉलम, और यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड करना है इंट कॉलम। ये तो आपको नेम से ही पता चला गया होगा कि हमने क्या कॉलम क्या कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। तो क्या, सेट द नंबर ऑफ कॉलम इन दिस लेआउट टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। जो भी हमने के स्पेसिफाइड वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसके साथ में क्या नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हमारे लेआउट में सेट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट मेथड इज द पब्लिक वाइड सेट हॉरिजॉन्टल गैप। ओके, मेथड नेम क्या है, हॉरिजॉन्टल गैप। यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड करना है इंट हॉरिजॉन्टल गैप। तो यहाँ पे देखिए, सेट द हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन द कंपोनेंट्स टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। जो भी हमने क्या यहाँ पे स्पेसिफाइड वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसके साथ में क्या हमारा ने क्या मतलब हमारे जीयूआई कंपोनेंट के बीच में क्या हॉरिजॉन्टल गैप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मेथड देखिए, पब्लिक वाइड सेट रोज। मेथड नेम इज सेट रोज, यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड करना है इंट रोज। ओके, तो क्या, सेट द नंबर ऑफ रोज इन दिस लेआउट टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, जो मतलब हमारा जो लेआउट है उसमें क्या हम नंबर ऑफ रोज क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जो भी हम यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट मेथड देखिए, पब्लिक वाइड सेट वर्टिकल गैप। ठीक है, तो आपको नेम से ही पता चल गया होगा ये मेथड किस पर्पज के लिए, और यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड किया है वर्टिकल गैप। तो सेट द वर्टिकल गैप बिटवीन द कंपोनेंट्स टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। अब तो इस मेथड के साथ हमने क्या वर्टिकल गैप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं बिटवीन द जीयूआई कंपोनेंट, जो भी हमने क्या स्पेसिफाइड वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए यह हो गया हमारे मेथड्स ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास। तो अभी हमने क्या एग्जांपल देखते हैं ग्रिड लेआउट क्लास का। ओके, हाँ, यूजिंग पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने इक्लिप्स ओपन कर लिया है, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट नेम प्रोवाइड कर देते हैं ग्रिड लेआउट। ओके, ग्रिड लेआउट डेमो, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन फिनिश बटन। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, राइट क्लिक ऑन SRC, देन न्यू, देन क्लास। ओके, और मैं यहाँ पे पैकेज नंबर कर देता हूँ form.uttamsoft.gridlayout। ओके, ये हमारा क्या हो गया, पैकेज नेम हो गया, और मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ क्या क्लास नेम, तो ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल। ओके, तो मुझे रिक्वायर्ड है मेन मेथड, तो मैं मेन मेथड और क्लिक ऑन फिनिश देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ने क्या हो गया, यूजर डिफाइंड क्लास हो गया, दैट इज ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल। अभी इसे मुझे क्या करना है, यूजर डिफाइन फ्रेंड करना है, तो क्या कैसे करते हैं, एक्सटेंड रेम। ओके, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, फ्रेम हो गया हमारा यूजर डिफाइन फ्रेंड नेम क्या हो गया, अभी ग्रिड लेआउट एग्जांपल। अभी जो हमारी फ्रेम की प्रॉपर्टीज है मैं कहाँ पे सेट करता हूँ, ग्रिड लेआउट एग्जांपल के कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे देखिए, दिस डॉट सेट विजिबल, और यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड कर लेते ट्रू, देन यहाँ पे कर देता हूँ दिस डॉट सेट टाइटल, और मैं इस फ्रेम का टाइटल प्रोवाइड कर लेता हूँ क्या, एग्जांपल ऑफ ग्रिड लेआउट यूजिंग पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये हमारा नीचे क्या हो गया, टाइटल हो गया। देन मैं प्रोवाइड कर लेता हूँ सेट साइज, दिस डॉट सेट साइज, और मैं फ्रेम की साइज प्रोवाइड करता हूँ 500 by 500। ओके, हो गया। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, हमारी फ्रेम को निकाल क्लोजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो क्या, क्लोजिंग विंडो करके हमें कमेंट कर लेते हैं। तो कैसे, दिस डॉट ऐड विंडो लिसनर, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, विंडो एडाप्टर क्लास का एनोनोमस इनर क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे एनोनोमस इनर क्लास हो गया, और मुझे यहाँ पे कौन सी मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी, विंडो क्लोजिंग। ठीक है, ये मेथड ओवरराइड करेंगे, और यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे क्या, सिस्टम डॉट एग्जिस्ट ऑफ जीरो। ठीक है, सिस्टम और एग्जिट, और यहाँ पे हमें स्टेटस प्रोवाइड करना पड़ेगा जीरो। अगर हमारा JVM शट डाउन हो जाएगा तो हमारा फ्रेम भी शट डाउन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे हो गए, तो हमने फ्रेम को निकल क्लोजिंग प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड कर लिया। अभी देखें, मैं निकल बटन क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक कमेंट कर लेता हूँ, क्रिएटिंग 9 बटन। ठीक है, ओके, तो देखिए बटन कैसे क्रिएट कर रहे, बटन, ठीक है, B1 = new button। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या बटन नेम प्रोवाइड कर लेता हूँ, लेबल प्रोवाइड कर लेता हूँ, दैट इज 1। ओके, देन सेम इसे, इस तरह से हमने क्या सेम अप्रोच से लेकर कितने 9 बटन क्रिएट करेंगे, बटन B2 = new
बटन, और यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे बटन नेम दैट इज अ टू. ओके, तो हमारा ने क्या सेकंड बटन क्रिएट हो गया. ठीक है, नेम बटन डी थ्री इक्वल टू न्यू बटन, और यहाँ पे हम बटन लेबल प्रोवाइड करेंगे दैट इज अ थ्री. ओके, हमारे थ्री बटन क्रिएट हो गए. बटन डी फोर फोर कर देंगे, हमारा बटन लेबल फोर हो गया. सिमिलरली बटन डी फाइव इक्वल टू न्यू बटन, और यहाँ पे हम लेके बटन लेबल फोर करेंगे फाइव. ओके, अरे पांच बटन क्रिएट हो गए. देन सिमिलरली बटन डी सिक्स इक्वल टू न्यू बटन, और हम आपको बटन लेबल प्रोवाइड कर लेते हैं. बटन डी सेवन इक्वल टू न्यू बटन, और हम यहाँ पे बटन लेबल प्रोवाइड करेंगे सेवन. ओके, सेमीकोलन. बटन डी एट इक्वल टू न्यू बटन, यहाँ पे बटन लेबल प्रोवाइड कर लेते हैं एट. और सेमीकोलन. बटन डी नाइन इक्वल टू न्यू बटन, और बटन लेबल प्रोवाइड कर लेते हैं नाइन. ठीक है, इस तरह से हमने नाइन बटन क्रिएट कर लिए. ओके, देन हमें ये इन बटन को क्या करना पड़ेगा, थीम पे ऐड करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे क्या कमेंट कर लेता हूँ, एडिंग बटन टू द बटन टू द. ओके, तो हमने कमेंट कर लिया. बट अभी हम कौन से टाइप का कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कौन सा मतलब हम ग्रिड लेआउट पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं. ठीक है, सिंस वी आर यूजिंग पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर. ठीक है, कंस्ट्रक्टर, देयरफोर द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, द नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बटन, नंबर ऑफ बटन वी आर एडिंग टू द फ्रेम, एडिंग टू द फ्रेम, एंड द रो काउंट रिमेन्स वन. ठीक है, हमने क्या क्या करने वाले हैं, सभी बटन को क्या करने वाले हैं, बटन फ्रेम में ऐड करने वाले, एडिंग बटन टू द फ्रेम. हमने क्या कौन से टाइप का कंस्ट्रक्ट यूज करने वाले, पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्ट यूज करने वाले ग्रिड लेआउट क्लास का. सिंस वी आर यूजिंग पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर, देयरफॉर द नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बटन वी आर एडिंग टू द फ्रेम. ठीक है, द रो काउंट रिमेन्स वन. ठीक है, अभी देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बटन कितने हैं, नहीं, तो इसमें से हम कुछ ही बटन ऐड करेंगे. देखिए तो कैसे ऐड कर लेते हैं, दिस डॉट ऐड, ठीक है, ऐड मेथड, और यहाँ पे डी वन. ओके, सिमिलरली देन दिस डॉट ऐड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे डी टू, और सेम अप्रोच से हमने क्या थ्री बटन से ऐड कर लेते हैं दैट इज अ बी थ्री. ओके, देखिए ये जो कमेंट हमने यहाँ पे किया ना, इसका मतलब आपको समझाता हूँ. ठीक है, एग्जांपल के थ्रू हमने कितने बटन ऐड किए, थ्री बटन ऐड किए, हमारे पास बटन कितने हैं, नाइन. ओके, तो देखिए मैं अभी क्या कर लेता हूँ, सेटिंग द लेआउट कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे कमेंट भी कर लेते हैं, सेटिंग द ग्रिड लेआउट यूजिंग पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर. तो कैसे करते हैं, दिस डॉट सेट लेआउट मेथड कॉल करके हमने क्या क्या कर लेते हैं, लेआउट सेट करते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या यूज करने वाला हूँ, क्या हमारा ग्रिड लेआउट का पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर होता है. देखिए न्यू ग्रिड लेआउट. ओके, तो यहाँ पे मैंने पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर यूज किया. देखिए ठीक है, इस तरह से हमने क्या लेआउट कौन सा सेट किया, ग्रिड लेआउट. देखिए यहाँ पे हमने नहीं किया, फ्रेम पे कितने बटन ऐड किया है, थ्री बटन, बी वन बी टू बी थ्री. ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमारा जो यूजर डिफाइंड फ्रेम है उसका क्या है, ग्रिड लेआउट एग्जांपल, उसका नहीं किया, हम क्या करेंगे, मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. देखिए यहाँ पे ग्रिड लेआउट एग्जांपल, और यहाँ पे जी एल ई कर लेते हैं इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट एग्जांपल. ओके, इस तरह से हमारा ने क्या हो गया, मेन मेथड में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया. देखिए अभी इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं. देखिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या क्या हमारा फ्रेम का टाइटल क्या है, एग्जांपल ऑफ ग्रिड लेआउट यूजिंग पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे देखिए बटन कितने क्रिएट हुए, वन टू थ्री. ठीक है, हमारा ने क्या ये जो कमेंट किया है ना हमने यहाँ पे,
Since we are using parameterless constructor, therefore the number of column is equal to the number of buttons we are adding to the frame. मतलब हमारा रो देखिए यहाँ पे रो कितना है, सिंगल है, ठीक है, बट नहीं के कॉलम किस पे डिपेंड है, हमने के फ्रेम पे कितने बटन ऐड कर रहे हैं। अभी हमें फ्रेम पे कितने बटन ऐड किए, 3 बटन ऐड किए, तो यहाँ पे इसीलिए नहीं के हमें 3 कॉलम आया है, ठीक है। इसको क्लोज कर लेते हैं और हम रिमेनिंग नहीं के क्या कर लेते हैं, बटन ऐड करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, दिस डॉट ऐड ऑफ, ऐड ऑफ कौन सा बटन रिमेन हो गया, D4, ठीक है, D4 बटन, मतलब 4 बटन ऐड कर लिए, देन दिस डॉट ऐड ऑफ, ठीक है, D5 एंड देन सेमीकोलन दिस डॉट ऐड ऑफ D6, ठीक है। तो हमने अभी 6 बटन ऐड किया। देखिए मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके भी बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा फ्रेम का टाइटल क्या है, एग्जांपल ऑफ ग्रिड लेआउट यूजिंग पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर। तो अभी हमें सिंगल रो है बट कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हमें अभी 6 कॉलम मिल गए, ठीक है। मतलब क्या, मतलब हम जब नहीं क्या पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं ग्रिड लेआउट क्लास का, तो क्या हमें नहीं क्या रोज तो सिंगल होता है बट नहीं क्या कॉलम डिपेंड कैसे है, हम जितने जीयूआई कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं और सभी सिंगल ईच जीयूआई कंपोनेंट के लिए सेपरेट क्या कॉलम क्रिएट होता है, ठीक है। देखिए अभी देखिए और रिमेनिंग हम नीचे क्या कर लेते हैं, बटन ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे दिस डॉट ऐड ऑफ D7 देन सेमीकोलन दिस डॉट ऐड ऑफ D8 एंड दिस डॉट ऐड ऑफ D9, ठीक है। तो हमने लेके सभी जितने हमने बटन क्रिएट किए थे वो सभी बटन हमने क्या फ्रेम पे ऐड कर लिया है। तो अभी देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्रेम क्रिएट हो गया और हमारा फ्रेम का टाइटल क्या है, एग्जांपल ऑफ ग्रिड लेआउट यूजिंग पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर। और बटन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, रोज कितना है, सिंगल है, बट नहीं कॉलम कैसे है, हाँ जितने हमने बटन ऐड किए उतने। दिस इज एग्जांपल ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास यूजिंग पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यह हमारा हो गया ग्रिड लेआउट क्लास, एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था ग्रिड लेआउट क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास एंड मेथड्स ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास। तो ग्रिड लेआउट क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है, 3 कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है, उसमें से हमने फर्स्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल देख लिया था। आज हम सेकंड कंस्ट्रक्टर के साथ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सेकंड कंस्ट्रक्टर में हमें पैरामीटर क्या प्रोवाइड करना है, इंट रोज एंड इंट कॉलम, ओके। कंस्ट्रक्टर देखिए पब्लिक ग्रिड लेआउट और इसमें पैरामीटर क्या प्रोवाइड करना है, इंट रोज एंड इंट कॉलम। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, क्रिएट्स ग्रिड लेआउट विद द गिवन रोज एंड कॉलम बट नो गैप बिटवीन द कंपोनेंट। इस कंस्ट्रक्टर के साथ अगर हमने क्या लेआउट सेट करेंगे तो क्या ग्रिड लेआउट तो सेट होगा बट क्या जो भी हमने रोज एंड कॉलम प्रोवाइड किया उसके साथ, बट जो जीयूआई कंपोनेंट है उसमें कोई गैप नहीं होगा। देखिए एग्जांपल देखिए ग्रिड लेआउट जीएल न्यू ग्रिड लेआउट और यहाँ पे हमने क्या रोज प्रोवाइड किया 3 एंड कॉलम प्रोवाइड किए 3। तो इस तरह से हमारा क्या एग्जाम्पल होगा। देखिए तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, हमने यहाँ पे एक लिस्ट ओपन कर लिया, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम लिखते हैं ग्रिड लेआउट डेमो, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन न्यू बटन। जैसे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, क्लिक ऑन SRC सिलेक्ट क्लास। तो पैकेज नंबर कर लेते हैं com.uttamsoft.gridlout, ओके। क्लास नेम प्रोवाइड कर लेते हैं ग्रिड लेआउट एग्जांपल, ओके। देन मुझे मेन मेथड की रिक्वायर्ड है इसलिए मेन मेथड को चेक किया और देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो यहाँ पे हमारा नहीं क्या जो यूजर डिफाइंड क्लास है दैट इज कौन सा है, ग्रिड लेआउट एग्जांपल। अभी इसको हम लेके यूजर डिफाइंड फ्रेम में क्रिएट करेंगे। तो कैसे करते हैं इसे, एक्सटेंड फ्रेम, ओके, यहाँ पे एक्सटेंड फ्रेम कर दिया। अभी जो हमारी फ्रेम की प्रॉपर्टी है तो इस कंस्ट्रक्टर में हम प्रोवाइड करेंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है दिस डॉट सेट विजिबल, हमें क्या फ्रेम को विजिबल करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट विजिबल होता है क्या, नहीं, ओके, तो यहाँ पे ट्रू। देन दिस डॉट सेट टाइटल, फ्रेम को टाइटल भी प्रोवाइड कर लेते हैं। तो टाइटल प्रोवाइड कर लेते हैं क्या, एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड लेआउट, ग्रिड लेआउट क्लास यूजिंग ग्रिड लेआउट मतलब रोज एंड कॉलम कर देते, ठीक है, रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, टाइटल हो गया हमारा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ्रेम की साइज सेट कर लेता हूँ दिस डॉट सेट साइज और मैं फ्रेम की साइज प्रोवाइड कर देता हूँ 500 बाय 500, ओके। देन मैं क्या कर लेता हूँ, हमारी जो फ्रेम है ना उसको क्लोजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ
विंडो क्लोजिंग, ठीक है। विंडो क्लोजिंग प्रॉपर्टी कैसे प्रोवाइड कर रहे थे, दिस डॉट विंडो लिस्टनर, ठीक है, दिस डॉट विंडो लिस्टनर। यहाँ पे हमें कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, विंडो लिस्टनर इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन का। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, न्यू विंडो अडाप्टर का इंडो अनोनस क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, विंडो अडाप्टर, ठीक है, यहाँ पे अनोनस मिलेगा। और यहाँ पे मुझे कौन सी मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। यहाँ पे विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड कर लिया, और यहाँ पे इस मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कैसे, सिस्टम डॉट डॉट एग्जिट, ठीक है, और स्टेटस प्रोवाइड करना पड़ेगा जीरो। तो सो देते हैं हमारा फिल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देन देखिए दोस्तों अभी क्या कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिटर्न्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जी आई कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएटिंग बटन। तो मैं यहाँ पे 9 बटन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, बटन बी वन इक्वल टू न्यू बटन बटन, और इस बटन का लेबल प्रोवाइड कर लेते हैं वन, ठीक है, बटन लेबल इज वन, और इस तरह से हमने बटन वन क्रिएट कर लिया। इस तरह से हम लेकर 9 बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं इस बटन को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और मैं 9 बटन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा B2, हमारा बटन लेबल क्या हो जाएगा 2, थर्ड बटन कर लेते हैं इसका रेफरेंस लेते हैं बी थ्री, और बटन लेबल हो गया 3, ओके, देन बट रेफरेंस हो गया बी फोर, और बटन लेबल हो गया 4, बी फाइव रेफरेंस हो गया बी फाइव, और बटन लेबल हो गया बी फाइव, देन बटन कर लेते हैं इसका लेबल होगा 6, नेक्स्ट बटन 7 इसका लेबल होगा 7, ओके, देन और दोन बटन क्रिएट कर लेते हैं जिसका लेबल होगा 8 और 9। यहाँ पर हमने नेक्स्ट बटन क्रिएट कर लिया 8 और उसका लेबल, नेक्स्ट उसका लास्ट बटन क्रिएट कर लेते हैं जिसका लेबल क्या होगा 9, ठीक है। तो इस तरह से हमने कितने बटन क्रिएट कर लिए, 9 बटन क्रिएट कर लिया, ओके। अभी ये जो बटन है, ठीक है, इन बटन को हम क्या करेंगे, फ्रेम में ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं एडिंग बटन बटन टू द फ्रेम, ओके। तो कैसे ऐड कर लेते हैं, दिस डॉट ऐड, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या, ये जो बटन बी वन है वो ऐड करना होगा, तो क्या बी वन रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देन फ्रेम पे दूसरा सेकंड बटन ऐड करना होगा, तो क्या यहाँ पे B2 रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे थे, बटन 2 इसका लेबल क्या होगा 2 होगा। सिमिलरली दिस डॉट ऐड ऑफ, हमें कौन सा बटन ऐड करना है B3, तो यहाँ पे B3 भी बटन ऐड कर लें। इस सेम ऑपरेशन हमने क्या कर, कितने बटन ऐड करेंगे, सभी बटन ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या B4, ओके, बटन B4 ऐड कर लिया, देन B5, देन B6, ये 6 बटन ऐड कर दिया फ्रेम पे। क्या हमारे पास कितने बटन है, 9 बटन है, तो सभी बटन ऐड कर लेते हैं B7, B8 एंड देन लास्ट बटन का B9, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या सभी बटन हमने ऐड कर लिए। देन लास्ट स्टेप क्या है हमारा, सेटिंग ग्रिड लेआउट, ठीक है, सेटिंग कमेंट कर लेते हैं, सेटिंग ग्रिड लेआउट, सेटिंग ग्रिड लेआउट ऑफ 3 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है, हमें 3 रोज एंड 3 कॉलम के साथ क्या करना है, हमें लेआउट सेट करना है। तो कैसे करते देखिए, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या है ग्रिड लेआउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ग्रिड लेआउट रेफरेंस लेते जी एल इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट, ओके, और हमें कितने रोज एंड कॉलम क्रिएट करना है 3, तो यहाँ पे देखिए 3 रोज एंड 3 कॉलम, ओके। हमने यहाँ पे ग्रिड लेआउट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी फ्रेम को नहीं क्या लेआउट कैसे सेट करते हैं, जो कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा, सेट लेआउट मेथड कॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें आप पैरामीटर किसका प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो हमने ने किया है ग्रिड लेआउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करेगा जीरो, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या लेआउट सेट हो जाएगा। तो हमारा जो यूजर डिफाइंड फ्रेम है कौन सा, ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल, ओके, इसका ने क्या हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा कहाँ पे, मेन मेथड में, तो यहाँ पे मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल, ओके, और इसका ले लेते हैं जी एल ई करके रेफरेंस लेते हैं, और ये ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल, ठीक है, हो गया। इस प्रोग्राम सेव कर लेते हैं,
और क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए देखिए दोस्तों, हमारे पास निकिया, जब हमने निकिया कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ रोज एंड कॉलम। देखिए थ्री रोज एंड थ्री कॉलम, देखिए 1 2 3, ठीक है, थ्री रोज क्रिएट हो गया, ठीक है, और कॉलम भी देखिए 1 2 3, मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करके हम एक ग्रिड लेआउट का ग्रिड लेआउट सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास, आज हमने क्या ग्रिड लेआउट क्लास का एग्जाम्पल देखेंगे। और ग्रिड लेआउट क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है, देयर आर थ्री कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट इन द ग्रिड लेआउट क्लास, उसमें से हमने दो कंस्ट्रक्टर के साथ एग्जाम्पल देख लिया है। तो आज हम थर्ड कंस्ट्रक्टर यूज करके हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्टर दिए पब्लिक ग्रिड लेआउट, ओके, और इसमें पैरामीटर कितना प्रोवाइड करना है, 4 पैरामीटर प्रोवाइड करना है, इंट, रोज, कॉलम, हॉरिजॉन्टल गैप एंड वर्टिकल गैप। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, क्रिएट्स अ ग्रिड लेआउट विद गिवन रोज एंड कॉलम अलॉन्ग विद द गिवन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप। मतलब हमने क्या जो लेआउट है उसमें क्या रोज एंड कॉलम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और क्या जो जीआई कंपोनेंट हम ऐड करने वाले फ्रेम में उसमें क्या हॉरिजॉन्टल गैप एंड वर्टिकल गैप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल, तो ग्रिड लेआउट जीएल न्यू ग्रिड लेआउट, यहाँ पे हमने ने क्या नंबर ऑफ रोज कितने प्रोवाइड किए, 3, और कॉलम भी 3, और हॉरिजॉन्टल कितने पिक्सल, 20 पिक्सल, एंड वर्टिकल गैप 15 पिक्सल, ठीक है। हम आप प्रैक्टिकली देखते हैं, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट ओपन कर लिया है, फाइल न्यू, और यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट नेम लिखता हूँ ग्रिड लेआउट डेमो, ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन सेव बटन। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, राइट क्लिक ऑन एसआरसी न्यू देन क्लास, और यहाँ पे मैं पैकेज नेम प्रोवाइड कर लेता हूँ com.utom.grid.layout, ओके, और यहाँ पे क्लास नेम प्रोवाइड कर लेते हैं ग्रिड लेआउट एग्जांपल, ओके, और मुझे लेके मेन मेथड की रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे फिनिश। तो यहाँ पे हमारा यूजर डिफाइंड क्लास क्रिएट हो गया, दैट इज क्या ग्रिड लेआउट एग्जांपल। तो फ्रेम में कन्वर्ट करना है हमें यूजर डिफाइंड फ्रेम, तो कैसे करते हैं, एक्सटेंड फ्रेम, ओके, और मैं फ्रेम की प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेम की प्रॉपर्टी क्या क्या है, दिस डॉट सेट विजिबल, और मैं फ्रेम को विजिबल कर लेता हूँ, यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड शुरू कर देता हूँ, देन दिस डॉट सेट साइज, फ्रेम की साइज विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड करता हूँ 500 बाय 500, देन मैं फ्रेम को टाइटल प्रोवाइड कर लेता हूँ, दिस डॉट सेट टाइटल, और मैं कर लेता हूँ यहाँ पे क्या टाइटल प्रोवाइड कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास यूजिंग, ठीक है, कौन सा ग्रिड लेआउट, और यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना है, पैरामीटर क्या अपलोड करना है, यहाँ पे थोड़ी थर्ड टाइप का कंसेप्ट के साथ करने हैं, इसलिए वो इस तरह का टाइटल दे रहे हैं, रोज कॉलम हॉरिजॉन्टल गैप एंड वर्टिकल गैप, ओके, तो ये हो गया हमारा टाइटल, ओके। देन मैं क्या कर लेता हूँ, अभी नहीं क्या हमारे फ्रेम को नहीं क्या विंडो क्लोजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता हूँ, कैसे करते हैं, विंडो यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ विंडो क्लोजिंग, तो कैसे दिस डॉट एड विंडो लिस्नर, ठीक है, अटैच कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं विंडो एडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, तो न्यू विंडो एडाप्टर, ओके, तो यहाँ पे एनालॉग क्लास क्रिएट कर लिए, और यहाँ पे मैं कौन सी मेथड ओवरराइड करता हूँ, विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट एग्जिट, और यहाँ पे स्टेटस प्रोवाइड कर दीजिए 0, तो देखने का हमारा विंडो क्लोजिंग प्रॉपर्टी में प्रोवाइड कर दिया, ओके। तो अभी क्या कर लेते हैं, मैंने क्या बटन क्रिएट करता हूँ, क्रिएटिंग, ठीक है, क्रिएटिंग 9 बटन करके यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं 9 बटन, ठीक है। तो बटन कैसे क्रिएट करते हैं, बटन D1 इक्वल टू न्यू बटन, ओके, और इस बटन का लेबल प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अ 1, ठीक है। तो सेम अप्रोच हम कितने 9 बटन क्रिएट करते हैं, तो मैं बटन B2 रेफरेंस B2 इक्वल टू न्यू बटन, ओके, और इसका लेबल प्रोवाइड करते हैं बटन लेबल 2, ओके। नेक्स्ट बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन B3 इक्वल टू न्यू बटन, और इसका लेबल प्रोवाइड कर लेते हैं नंबर 3, ओके। हमने इस तरह से 3 बटन क्रिएट कर लिए, और हमें 6 बटन चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, क्या यहाँ पे B4, और यहाँ पे बटन लेबल इज 4, यहाँ पे B5 बटन लेबल इज 5, देन B6 रेफरेंस B6 और बटन लेबल इज 6,
और हमें थ्री बटन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बटन इज रिकॉर्ड बी सेवन और नेक्स्ट क्या बटन लेवल इज सेवन बी एट एंड लेवल एट एंड नेक्स्ट बटन इज नाइन लेवल नाइन। इस तरह से हमने कितने बटन क्रिएट कर लिए, नाइन, ठीक है। ओके तो अभी हम क्या कर लेते हैं, देखिए अभी हमारा नेक बटन क्रिएट हो गया। अभी सभी बटन को हम क्या कर लेते हैं, फिर मैं ऐड कर देता हूँ एडिंग ऑल बटन्स टू द ओके से ऐड करते हैं दिस डॉट ऐड मेथड कॉल करें, ठीक है। ऐड तो हमें बटन वन ऐड करना था, इसमें रेफरेंस का प्रयोग करना पड़ेगा डी वन, ठीक है। वन बटन मतलब डी वन बटन ऐड हो गया। सिमिलरली दिस डॉट टैप दिस डॉट ऐड मेथड कॉल कीजिए और यहाँ पे निकाले बी टू, हमारा सेकंड बटन ऐड हो गया। देन दिस डॉट ऐड हमारा थर्ड बटन भी ऐड हो गया, ठीक है। इस तरह से हमें सभी बटन ऐड करना है, तो मैं ये इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मुझे आप बटन बी फोर ऐड करना है फ्रेम, तो बी फोर, देन यहाँ पे बी फाइव, यहाँ पे बी सिक्स, ठीक है। तो ये देन नेक्स्ट बटन ऐड करना है बी सेवन, देन बी एट एंड देन लास्ट बटन है बी नाइन। तो इस तरह से हमने क्या नाइन बटन हमने क्या फ्रेम में ऐड कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे हमारा, सेटिंग द लेआउट, ठीक है, सेटिंग द लेआउट। ओके तो कैसे लेआउट सेट करते हैं, देखिए मैंने फर्स्टली क्या कर लेता हूँ, ग्रिड लेआउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ग्रिड लेआउट। ओके तो जीएल अपना से लेते हैं न्यू ग्रिड लेआउट। ओके तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फोर पैरामीटर वाला ग्रिड लेआउट कंस्ट्रक्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा रोज कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल जो अपन वर्टिकली का प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या रोज कितने, थ्री, कॉलम थ्री, हॉरिजॉन्टल गैप प्रोवाइड करता हूँ 20 पिक्सल, वर्टिकल गैप प्रोवाइड करता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया, हाँ, ग्रिड लेआउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमारे फ्रेम को लेआउट सेट करना है, तो कैसे करते हैं, दिस डॉट सेट लेआउट मेथड कॉल करते हैं। तो यहाँ पे लेआउट और जो हमने क्या ग्रिड लेआउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका रेफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर, तो हमारा नीचे लेआउट सेट हो गया। ओके अभी जो हमारा यूजर डिफाइंड फ्रेम है, जैसे ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल, उसका क्या अभी क्रिएट करना पड़ेगा, कहाँ पे मेन मेथड में, तो यहाँ पे मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रिड लेआउट एग्जांपल। ओके इस तरह से ये था जीएली न्यू ग्रिड लेआउट एग्जांपल, तो हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो देखिए अभी इस प्रोग्राम को आपको रन करके बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया फ्रेम और इस फ्रेम पर टाइटल लिखे एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास यूजिंग थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके जिसने हमने क्या फोर पैरामीटर प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या रोज कितने हैं, थ्री, देखिए वन टू थ्री। ओके कॉलम कितने हैं, थ्री, वन टू थ्री, और ये सभी क्या है जी आई बटन्स है। ओके ठीक है ये सभी जी आई बटन्स है और इन जी आई बटन्स में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप है, देखिए हॉरिजॉन्टल भी गैप है, देखिए वन ए वन बटन है और ये सेकंड टू बटन है, इसे लिखे हॉरिजॉन्टल गैप है और देन लिखे देखिए बटन टू और बटन फाइव, इसमें देखो वर्टिकल गैप है। तो अगर हमें एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हाँ जी आई कंपोनेंट में क्या क्या गैप रिक्वायर्ड है, देन वी हैव टू यूज द थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, हाँ करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।